एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए नौकायन का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 4 व 5 जून को राष्ट्रपति का जनपद में दौरा है, जिसको देखते हुए नौकायन पर साउंड एंड लाइट शो रखा गया है, जिसकी तैयारी चल रही है। यहाँ राष्ट्रपति आकर लगभग 20 मिनट तक साउंड एंड लाइट शो का आनंद लेंगे। इस साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से गोरखपुर के इतिहास, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के साथ सीसीटीवी लगाई जा रही है, जो कि लगातार अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, राष्ट्रपति जी के गोरखपुर आने के बाद में यहाँ पे संध्या के समय लाइट एंड साउंड शो रखा गया है, और उस लाइट एंड साउंड शो को आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्णतः इसकी सारी तैयारियाँ चल रही है। इसमें राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे और 30 मिनट के आसपास लाइट एंड साउंड शो को आनंद लेंगे। इसमें गोरखपुर के इतिहास और गोरखनाथ की जो तपोभूमि है, इसके बारे में जो लाइट एंड साउंड शो है, उसको सब एंजॉय किया जाएगा। और बाकी इसकी सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। बाकी चाक चौबंद सुरक्षा, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे सब लगाए जा रहे हैं, और अच्छे से इंश्योर कराया जाएगा कि राष्ट्रपति जी का जो विजिट है। राष्ट्रपति जी 2 दिन के लिए इनका यहाँ पे प्रवास है, और उससे संबंधित सारी जानकारी है वो आपको भविष्य में और ज़्यादा अवगत कराया जाएगा। यहाँ हर प्रकार की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। रूफटॉप ड्यूटी है, स्ट्रीट ड्यूटी है, सीसीटीवी कैमरा शहर के चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, इससे सारी चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल ड्रोन से कैमरे से भी निगरानी रहेगी, और ऑलरेडी हम उसका परीक्षण कर चुके हैं और लगातार ड्रोन कैमरे से नज़र गड़ाए हुए हैं।